हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिली गार्लिक नूडल्स। ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और सभी के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो आज मैं आपको इसे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाना बताऊंगी, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही चिली नूडल्स आप घर पर बना सकते हैं और बहुत ही कम सामान से। इसमें बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नूडल्स बॉयल करेंगे। तो उसके लिए एक बर्तन में मैंने पानी गर्म होने रख दिया था और उसमें एक चम्मच तक हम नमक डाल देंगे। नमक हम इसलिए डाल देंगे क्योंकि नूडल्स हमारे फीके होते हैं। आप कोई भी चीज़ मोस्टली बॉयल करने रखे तो थोड़ा सा उसमें नमक डाल देंगे ना, तो उसका फ्लेवर बढ़ जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो नूडल्स हैं उनको पानी में डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा पानी बॉयल करने के लिए नहीं रखा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी रख देते ना तो नूडल्स हमारे बहुत जल्दी एकदम से ना गीले वो बहुत ज़्यादा ही गल जाते हैं। तो यहाँ पे आप पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा मत रखिए, जितने आप नूडल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप पानी रखिए। और अब इसको हम यहाँ पे बॉईल कर लेंगे। तो नूडल्स को हमें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, आप 70% तक ही इनको कुक करेंगे ना तो ये ठीक रहते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बॉईल कर देंगे ना तो वो नूडल्स फिर खाने में उतने अच्छे नहीं लगते। जैसे मार्केट्स में होते ना नूडल्स होते बहुत खिले खिले अलग से होते, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नूडल्स हमारे बॉईल हो चुके हैं, ये बिल्कुल 70% तक ही मैंने इनको बॉईल किया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। यहाँ पे आप निकालने के बाद चाहे ठंडे पानी से इन्हें धुल लीजिए, अदरवाइज़ आप किसी फैले बर्तन में भी रख के इनको रख देंगे तो भी अच्छे से हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे एक बर्तन में जाली में निकाल लिया था, कितने खिले खिले से नूडल्स हमारे बॉईल हुए हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसमें 1 से 2 चम्मच तक वेजिटेबल ऑयल है उसको ऐड कर देती हूँ और उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे क्या होगा हमारे नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं। तो इस तरीके से कितने अच्छे से खिले खिले से बॉयल होके तैयार हो। इनको मैं क्या करूँगी, आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आप नूडल्स बनाए उससे पहले आधा घंटे तक फ्रिज में रख देना तो नूडल्स आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं और खूब खिले खिले बनते हैं। तो मैं इन्हें आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। तब तक के लिए इसके लिए हम चिली मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने 20 से 25 जो लाल मिर्च है उनको मैंने बॉईल कर लिया था, साथ में 2 इंच टमाटर मैंने बॉईल कर लिए थे, 10 से 12 मैं लहसुन की कली यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो इनको हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो एक मिक्सिंग जार में हम सारी मिर्च है उनको डाल देते हैं। जैसा आपको तीखा पसंद हो मिर्च की क्वांटिटी आप वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे एक साथ बना के रख रही हूँ क्योंकि हमें इतने सारा नूडल्स में नहीं चाहिए होगा, लेकिन मैं एक साथ बना के थोड़ा रख लेती हूँ तो हफ्ते भर तक ये आराम से चलता है। अब इसमें ज़रा सा पानी डालेंगे 1 से 2 चम्मच तक और इसे ढक्कन लगा के एक बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने चिली वाला जो पेस्ट है उसे पीस कर रख लिया था। ये देखिए कितना अच्छा सब पिसकर तैयार हुआ। इसमें मैंने गार्लिक भी डाल दी थी ना, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हम यहाँ पे चिली गार्लिक नूडल्स बना रहे हैं तो गार्लिक और मिर्च का बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज होता है। और अब हम क्या करते हैं, इसे बनाने के लिए चलते हैं। तो मैंने गैस पे एक पैन रख दिया, तो अब इसमें 2 चम्मच तक मैं वेजिटेबल ऑयल है उसको ऐड कर दे रही हूँ। तेल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे और अब हम इसमें बारीक कटी हुई 1 चम्मच भर के मैं गार्लिक इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चिली गार्लिक नूडल्स हैं तो इसमें गार्लिक ऑब्वियसली बहुत अच्छे से यूज होती है। आप चाहे थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा गार्लिक आप यूज़ करेंगे ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसको थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसमें थोड़े से प्याज हैं जो मैंने देखे इस तरीके से अच्छे से काट ली हैं, उनको इसमें ऐड कर देते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हम भून लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ्राई नहीं करना है और हल्का सा ही इनको फ्राई करना है। और अब इसमें मैं मिर्च है उसको ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे 1 चम्मच तक मैंने चिली फ्लेक्स है उसे ऐड किया है। अब इसको चिली फ्लेक्स और प्याज को और लहसुन को एक साथ ऐड करेंगे ना तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच तक टमाटो सॉस है उसको ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 चम्मच तक हम यहाँ पर विनेगर ऐड करेंगे। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे हाई रखेंगे, क्योंकि नूडल्स या कोई भी चाइनीज़ डिश होती है वो हाई गैस फ्लेम पे बनती है, तभी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हमने जो चिली पेस्ट बनाकर रखा था उसको 1 से 1.5 चम्मच तक मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। जैसा आप तीखा पसंद हो उसी तरीके से आपको इसकी क्वान्टिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी वेजिटेबल है डाल रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल नहीं डालेंगे, पर थोड़ी थोड़ी सी डालेंगे, क्योंकि चिली गार्लिक नूडल्स में मोस्टली वेजिटेबल्स यूज नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सी इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर देते हैं। इनको थोड़ी देर के लिए हम फ्राई कर लेते हैं।
बस वेजिटेबल हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, उनका क्रंच ना खत्म हो, बस उतना ही हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी सब्जी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने नूडल्स ले बॉयल करके रखे थे उनको इसमें ऐड कर देते हैं। तो मैंने देखिए फ्रिज में रख दिए थे, उसके बाद हमारे नूडल्स बहुत अच्छे से खिले खिले बनकर तैयार हुए थे। तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को अभी भी मैंने हाई रखा है, तो इस तरीके से टॉस करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कलर जो होता है ना नूडल्स का, जो चिली गार्लिक का, बिल्कुल ऐसा ही आता है, हल्का सा रेड, बहुत ज़्यादा डार्क हो। सोया सॉस आप मत यूज करिएगा, नहीं तो आपका कलर है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस जैसे मैंने आपको बताया ना, आप उसी तरीके से अगर चिली गार्लिक नूडल्स घर पे बनाएंगे ना, तो आपके नूडल्स बिल्कुल मार्केट में जैसे बनते हैं ना, वैसे ही बनकर तैयार होंगे और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। तो देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है। तो इन्हें अच्छे से हम इसे मिक्स बहुत अच्छे से करेंगे ना, जिससे कि हमारे सारे नूडल्स में फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, एक छोटे चम्मच तक नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप ध्यान से ऐड करिएगा, क्योंकि जो आपने सॉसेस डाले थे उनमें भी नमक है, और हमने बॉयल करते टाइम भी नूडल्स में नमक डाले थे। तो नमक डालने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही नमक को इसमें ऐड करिएगा। तो यहाँ देखिए कितने मज़ेदार से हमारे नूडल्स हैं वो बनकर तैयार हो रहे हैं। इनका कलर भी बहुत अच्छा सा आ रहा है। तो देखिए हमारे नूडल्स बनकर तैयार हो गए ना, बहुत ज़्यादा नहीं टाइम लगता है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितने मज़ेदार से चिली गार्लिक नूडल्स बनकर तैयार हो चुके, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार हुए हैं। तो आपको एक रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो ये एक बार आप इसे ज़रूर घर पर ट्राई करिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।